आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको ऐसे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब ऐसा एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसे आप आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या घर की किसी और की मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स, इसमें बहुत सारी कुछ देख पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। और शुरू करने से पहले आपके पास एक छोटा रिक्वेस्ट, अगर पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में एक घंटा दिखेगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा गर्लफ्रेंड की मोबाइल फोन, सॉरी घर की किसी और की एक मोबाइल फ़ोन। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको क्या करना है, साइड में जो डैश वाला बटन है यहाँ पर क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट दिया है, प्ले प्रोटेक्ट पे आपको जाना है। जाने के बाद जो स्कैन डिवाइस मेरा ऑन था पहले, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। तो मैंने इसे पहले ही से ऑफ कर दिया था, तो आपको इसे ऑफ करना है। तो आप आती है एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आपको किसी ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाकर आपको trustify.com लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, आप इस पेज पे देख सकते हैं मैंने जो आपको बताया था कि आपको क्या करना है, फर्स्ट सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद एंड्रॉयड मतलब गूगल की जो सिक्योरिटी है उसे ऑफ करना है। बहुत सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले करके दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, करने के बाद डाउनलोड द ट्रस्टीफाई, इसको डाउनलोड करना है। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देती हूँ, तो मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद ओपन, मतलब अब इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ऐप था इंस्टॉल हो गया। तो इस ऐप का अब कमाल होने वाला है। तो फर्स्ट आपको ऐप पे जाना है, ऐप पे जाकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको फर्स्ट कौन सा वर्जन वगैरह दिया गया, सब कुछ दिखाई गया है। उसके बाद क्या क्या स्टेप करना है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि गूगल प्ले पे जाकर प्रोटेक्ट को ऑफ करना है। तो जस्ट नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके मोबाइल फ़ोन में फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, आपको लॉगिन या रजिस्टर करने को बोलेगा। तो मैंने पहले से ही लॉगिन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है, अकाउंट दिया गया ऊपर, तो लॉगिन किया है मैंने, तो इसलिए यहाँ पर मेरा लॉगिन ऑप्शन नहीं आया, मतलब डायरेक्ट मैंने ओपन कर दिया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, तो आप सोचने वाली बात है कि अगर किसी दूसरे की फ़ोन में हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसको तो देखने को मिलेगा, तो उसके अगर बाद वो अनइंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसलिए एक ऑप्शन दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हाइड आइकॉन थेरेपी, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको फर्स्ट क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है उसे हाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट में अगर यहाँ पर क्लिक करूँ, और क्लिक करने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है कोड नंबर लास्ट में #2013*, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कॉल डायल पे #2013* अगर आप डायल करेंगे तो ऐसे पेज पर आप आ जाएंगे, मतलब हाइट टूट जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ आगे जाकर। तो इस पे क्लिक करना है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक हाइट हो जाएगा, टाइम ले रहा है, देखिए हाइट हो चुका है। तो हाइट होने के बाद अगर आप कॉल पे जाएंगे, कॉल पे जाकर आप, मैंने जो दिखाया था कि #2013# लिखकर अगर आप कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ओपन हो गया है, आप चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड नहीं, किसी और का मोबाइल फ़ोन था, तो इसका काम हो गया। तो अब हम इस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या यूज़ किया, जैसे कि इस फ़ोन की जो ओनर है, किसको फ़ोन किया, किसके साथ मैसेज किया, चैट किया, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस फ़ोन को हम छोड़ देंगे, मतलब जिसका फ़ोन हम उसको दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर वही वेबसाइट मैंने जो बताया था जिससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वही वेबसाइट आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऐसा जो पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको डाउनलोड नहीं, ये जो गोल आइकन दिखाई दे रहा है इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद ऐसा एक पेज आएगा, तो यहाँ पर साइन इन आपको करना है, मतलब जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने दूसरी, मतलब आपका गर्लफ्रेंड या किसी और की फ़ोन पे आप साइन इन किया था उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर साइन इन करना है। तो यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको साइन इन करना है, जैसे कि यूज़र नेम, मतलब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो यहाँ पर मैं आप फर्स्ट टाइप कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने लॉग इन कर दिया, मतलब साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट GPS हिस्ट्री आप देख सकते हैं, SMS हिस्ट्री देख सकते हैं, कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं, और भी बहुत सारी कुछ देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा डिवाइस मैंने यूज़ किया था, सैमसंग
611F को यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी दिया है लास्ट डेट का अपडेट किया था वो भी दिया है, बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नीचे आपको WhatsApp पे क्या बात हुआ, Facebook में या और भी जो जो चैट वगैरह है, वीडियो रिकॉर्डर है, कौन सा इस्तेमाल किया, सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ GPS, SMS, कॉल हिस्ट्री आपको फ्री मिलेगा। अलावा जितना सारा आप देख सकते हैं कि Facebook हिस्ट्री और WhatsApp जितना सारा भी है, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको प्रीमियम मतलब ख़रीदना है, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप किसी खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए आपको जस्ट किसी एक पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना प्राइस है, जैसे कि यहाँ पर $21 स्टैंडर्ड क्वालिटी में मिलने वाला है, प्रीमियम और गोल्ड बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहते उसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन जस्ट तीनों चीज़ कुछ ही समय के लिए फ्री आपको मिलेगा और अलावा आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो प्रूफ के दौरान मैं आपको एक दिखा देती हूँ, जैसे कि कॉल हिस्ट्री में आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कॉल हिस्ट्री चेक कर लिया, तो कॉल हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा कॉल उसी मोबाइल फ़ोन से हुआ था, सभी यहाँ पर दिखाई जा रहा है, मतलब जिसका फ़ोन था उन्होंने कितना कॉल किया सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप SMS पे क्लिक करेंगे, SMS हिस्ट्री, तो किसके साथ SMS किया, कितना SMS गया आया, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते। तो यहाँ पर देख सकते कि सारी कितना कंपनी से आया, कहाँ से SMS आया, सब कुछ उसी फ़ोन की आप देख सकते। तो इस तरीके से आप किसी दूसरों की फ़ोन के नज़र रख सकते, मतलब अगर आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या घर की किसी दूसरे बच्चे का फ़ोन हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि अदर किसके साथ कांटेक्ट कर रहे देख रहा है। तो यही था आज का वीडियो। तो आपको शायद एक ही नहीं होगा, इसलिए मैं दोनों फ़ोन को इस्तेमाल किया। आप चाहे तो एक ही फ़ोन पे इस्तेमाल करके एक बार टेस्ट कर सकते, लेकिन मैंने आपको एक ही दिलाने के लिए दोनों फ़ोन को यूज़ किया। देख सकते इसी फ़ोन का जो डिटेल्स था सब इसी फ़ोन में दिखाया गया। तो इस तरीके आप किसी के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री इसमें सब कुछ देख सकते। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं नेक्स्ट दिन फिर से ले आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।